हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज मैं लेंसकार्ट से लेके आई हूँ ग्लासेस। सो गाइस, दिस इज बेसिकली नॉट एन एंटी ग्लेयर ग्लासेस, बट गाइस ये पावर के ग्लासेस है, बट आपको वहाँ एंटी ग्लेयर भी मिलते हैं। सो देख लेते हैं इसमें क्या है। सो गाइस, पहले एक कैरी बैग हमें इस तरीके के लेंसकार्ट की तरफ से मिलता है, एंड देन गाइस उसके अंदर जो है हमें कैश मेमो, पहले जो बिल होता है गाइस हमें वो रिसीव होता है, एंड देन गाइस हमें इसके अंदर रिसीव होता है हमारे क्लासेस। सो 3, 2, 1 एंड वी आर हियर। सो हियर इट इज। सो गाइज, ये बहुत ही सुंदर है, और क्या लिखा है, वी लुक गुड टुगेदर। सो येस, वी लुक गुड टुगेदर। एंड गाइज, इसके साथ साथ हमें इसके अंदर देख सकते हैं आप क्लीनिंग करने के लिए क्लॉथ मिला। एंड गाइज, जो मैंने फ्रेम चूज़ किया था गाइज, वो था एकदम बेबी पिंक में गाइज, एंड कुछ इस तरीके की शेप में था ये, एंड बहुत ही ज़्यादा ही कुछ सुंदर लग रहा है ये गाइज। आप देख सकते हो फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इफ़ आई वुड रेट दिस, सो आउट ऑफ 5 आई वुड बी रेटिंग दिस अराउंड 4। सो गाइज, अब आप सोचोगे 1 मार्क्स मैं क्या चीज़ पे काट रही हूँ। सो गाइज, आफ्टर 1 वीक और लाइक 2 to 3 वीक्स, सो गाइज इसमें क्या होता है कि मैंने यूज़ किया गाइज लेंसकार्ट का पहले भी। सो गाइज, क्या होता है कि जो ग्लासेस होते हैं वो गाइज मीन्स क्लीन होते हैं, बट उतने अच्छे से नहीं क्लीन होते हैं ऑनेस्टली। सो आपको जाना पड़ता है स्टोर में क्लीन कराने के लिए बेसिकली गाइज। सो अल्टीमेटली ये अच्छा है, बट 1 मार्क्स मैंने वहीं काटे। एंड इफ टॉकिंग अबाउट द प्राइस, इट्स 1118, बट विद GST एंड ऑल दोज चार्जेस एंड शिपिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग, इट्स 1217 गाइज। और गाइज, मैंने ये ऑनलाइन नहीं बाय किया था गाइज, प्लीज़ लेट मी जस्ट मेंशन इट ऑफ। मैंने इसको ऑनलाइन नहीं बाय किया था, मैं अपने पास के लेंसकार्ट शॉप में जाके मैंने इसको बाय किया था। वहाँ पे मैं बहुत सारे फ्रेम्स की चूजिंग थी, एंड मैंने वहीं पे उसको बाय किया था, और अल्टीमेटली ये बहुत अच्छा है। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ पिक्स जो मैंने क्लिक किए थे, अल्टीमेटली बहुत अच्छा है। सो येस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।